अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मादेली मच्छी की थाली बना रहे, कुकनी डिश है ये। तुअर की दाल है, एक प्याली भर के, दो प्याली भर के ये दाल है। इसको हमने एक घंटे से पानी में भिगा के रखी है। हमने दो टमाटर को काट के लिए, ये कोथमीर है, और ये हमने लहसुन की भाजी है। हाँ, ये डालेंगे तो और टेस्टी बनती है दाल। एक टेबल स्पून हमने हल्दी लिए, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। एक प्याज लिए छोटा सा, प्याज बहुत महंगा हो गया इसलिए प्याज कम डाल रहे। तुमको चाहिए ज़्यादा डालो क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा जाता है। अभी ये लहसुन है, दो चार बीच लहसुन के छील के को अमद दस्ते में कूट के लिए। और ये जीरा है एक टीस्पून, एक टीस्पून राई दाना है। अभी हम ये दाल बना रहे, उसका तरीका बताए, अभी हम दूसरा बता रहे। ये भेंडी बना रहे, ये हमने दो प्याज बड़े बड़े काट के लिए हैं। पाव किलो भेंडी है, उसको धो के पोंछ के ऐसा काट के लिए, ऐसा ही काटते। और ये हरी मिर्ची, इसमें से भेंडी में भी जाएगी, दाल में भी जाएगी। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, हल्दी एक टेबल स्पून डालेंगे। ये भिंडी का हो गया। ये मादेली मच्छी है, मादेली मच्छी हमने मतलब एक वाटा लिए मादेली मच्छी का, उसको साफ के साफ करके उसके पेट का निकाल के दो धाके लिए। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची लिए, उसको पानी में भिगा के रखिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, तीखा नहीं रहता है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची खेर की पाउडर है कल्याणी दुकान की, उसमें से एक टेबल स्पून डालेंगे। ये जीरा हमने लिए हैं एक टेबल स्पून, और ये नमक है स्वाद अनुसार। एक लहसुन की गट्टी को हमने छील के लिए अच्छे से, इमली डालेंगे, इमली का रस डालेंगे ये छान के। और ये देखो, ये चार पांच हमने लहसुन लिए हैं, उसको अमदस्ते में कूट के लिए हैं। और ये जीरा है, ये तड़के में डालेंगे। ये मादेली मच्छी फ्राई करेंगे, इसको हमने साफ करके धो के पेट के अंदर का ये देखो निकाल के लिए। ये मादेली मच्छी है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिए, और इसमें से एक टीस्पून हल्दी लेंगे। ये मादेली फ्राई करने का बता रहे। अभी देखो मच्छी फ्राई को मसाला लगा रहे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। एक टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डाले, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी डाले एक टीस्पून। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला लगा के साइड में रखेंगे। चावल हमने सादे चावल इसके साथ खाते, चावल पकाने रखे, नमक डाल के, और कुछ भी नहीं उसमें, पानी धोने का चावल, नमक डालने का, पानी डालने का, चराने का, सूखने तक पकाने का, वो चावल है। और चावल की रोटी बताएंगे। ये दाल उबालने रखेंगे, दाल को धो के लिए अच्छे से। और हमने लहसुन की भाजी डाल दी है, चार पांच डाली लहसुन की भाजी थी। हाँ अच्छा, लहसुन अगर नहीं डालने का है ना, लहसुन की भाजी अगर नहीं है तो ये लहसुन डालते हैं जो अपने घर में यूज होते हैं, वो वाले लहसुन डालते हैं। लेकिन हम लोग के पास में लहसुन की भाजी थी इसलिए डाल रहे हैं हम लोग। टमाटे और प्याज डाले, हरी मिर्ची डालेंगे, एकदम सिंपल थाली है, एकदम फटाफट बनती है। चार गैस पे चार चीजें चढ़ा देंगे। अभी पानी डालेंगे, कुकर की सीटी लेंगे, दो तीन सीटी लेंगे ढक्कन लगा के। देखो दो कप पानी डाले इसमें, अभी इसको दो सीटी लेंगे। अभी हम भिंडी पका रहे, तेल डाल दिए, तेल के तेल गरम हो गया, प्याज डाल दिए। मिर्ची डाल दिए, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। देखो एकदम सिंपल है, आसान थाली है ये, फटाफट बन जाती है। घर में जो बच्चे लोग काम सीखते हैं ना, उनको बनाने बोलने का, उसको बताने का, बनाने बोलने का, अपन बाद में खड़ा रहने का, तो बच्चे लोग सीख जाते हैं। जो कॉलेज से पढ़ के हो गया है, जिनको पकाने का शौक है, उन लोगों को बोलने का।
दिखाने का, दिखाने की जरूरत नहीं, बार बाजू में लेने का, मेरी रेसिपी खाली कौन सी खाली चाहिए और निकाल लेती है वैसा ही बना दी। प्याज गरम हो गया, अभी इसमें हल्दी डालेंगे, मिक्स करेंगे और ब्रेंडी डालेंगे और साइड में बारीक जस्ते रखेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें, बता न तो शेमरी मेहंदी बन जाएगी। देखो मेहरबानी करके देखना, लाइक करना, शेयर करना मेरे लिए, क्योंकि इतना बनाती मैं इतना बताती हूँ फिर भी आप लोग देखते नहीं है और बोलते हैं आंटी तबीयत खराब है, बाहर में जाओ तुम्हारी तबीयत खराब है, दिख रहा है तो बाहर जाएंगे तो ही तुम लोग देखते हैं, नहीं तो ऐसी घर की रेसिपी कहाँ देखते हैं, तो 400-500 हज़ार से कुछ नहीं होता। ज़्यादा देखो, ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो तो हो जाएगा। अभी ढक कर रखेंगे, साइड में बारीक गैस पे रखेंगे, कितना मैंने 5 मिनट गरम हो गया। देखो तेल डाले, मच्छी फ्राई करेंगे, मादेली फ्राई करेंगे, तेल डालेंगे, यही तेल से मच्छी का सालन, मादेली का सालन बनाएंगे और दोनों बनाएंगे। देखो अब ये मच्छी ऐसी फ्राई करेंगे एकदम कुरकुरी, कांटा निकालने की जरूरत नहीं, ऐसी कुरकुरी मच्छी बनाएंगे ना, ये मादेली मच्छी साफ करने टाइम लगता है लेकिन खाने बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी भी लगती है, इसका कांटा निकालने की जरूरत नहीं, सालन में ज़्यादा नहीं डालने के लिए, सालन भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन यही मसाला चाहिए, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हल्दी की मादेली, तो ये हलक बोलते हैं इसको, कोकनी में हलक बोलते हैं, तो यही मसाला, इससे कोपरा वपरा कुछ भी नहीं लेने का, वही जीरा मिर्ची और कश्मीरी मिर्च और तेल और ये हल्दी का मसाला और लहसुन, और लहसुन, लहसुन तो चाहिए, लहसुन नहीं रहेगा तो टेस्टी थोड़ी लगेगी, ये मच्छी इतनी टेस्टी लगती है लेकिन एकदम पतली नहीं, सूखी सूखी बनाने की, खरबरी बोलते हैं उसको, ऐसी बनाने की बहुत टेस्टी लगती है, खाली ऐसी बना के खाओ फिर हमें बताओ कैसी है। अभी इसको अलट पलट करके अच्छे से फ्राई करेंगे कुरकुरी, ये मच्छी सस्ती भी रहती और टेस्टी भी रहती और तलेंगे तो कांटा निकालने की जरूरत है, कुरकुरी तलने की, खाली सालन बनाएंगे तो कम डालने का, क्योंकि सालन को स्वाद आने के लिए वो कांटा निकालने का, बाकी ऐसी कांटा रहता है, ज़्यादा कांटा नहीं रहता है इसमें, बहुत टेस्टी लगती है, बीच का कांटा रहता है तो सालन में जरा ये होता है, थोड़ी मच्छी डाल दी क्योंकि सालन को टेस्ट आने और ये फ्राई अच्छे से कर दी, गरीब से गरीब अमीर से अमीर सब खा सकती है, हर घर में पकती है। मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे, मादेली का सालन बनाने लेंगे हल्दोनी, ये हम तेल वही तेल यूज करेंगे। देखो भिंडी हो गई एकदम फर्स्ट क्लास, 5 मिनट खाली इसको पकाए, हाँ ज़्यादा पकाएंगे तो एकदम खीर हो जाएगी उसकी, भरता बन जाएगा, हम भिंडी पका रहे, देखो हो गई, अभी इसको बंद करके साइड में रखेंगे। ये देखो दाल को 2 सीटी लिए, पहले भिगा के रखे थे, 2 सीटी लिए, अभी दाल घोटने से हम उसको घोट रहे, कितनी गल गए एकदम फर्स्ट क्लास, अभी इसको तड़का देंगे हम, अभी हम इसमें घी डालेंगे, दाल को तड़का देने का है, घी डाल दिए, ये घी से टेस्ट और अच्छा उबर के आता है, दाल को बघार दे रहे हैं, तड़का बघार सब एक ही है। देखो हमने लहसुन डाल दिए, घी डाल दिए, पहले लहसुन डाल दिए, लहसुन थोड़ा कलर बदली करेगा तो फिर ये डालेंगे जीरा और राई। अच्छा कड़ी पत्ता हम लोग के पास में नहीं है अभी, अगर आप लोग के पास में कड़ी पत्ता है तो उसमें कड़ी पत्ता भी ऐड करना। हाँ कड़ी पत्ता नहीं है हमारे यहाँ, और ये प्याज डालेंगे, प्याज लहसुन हो गया, राय और जीरा डालें, कड़ी पत्ता आपके पास है तो डालो, अभी ये कश्मीरी मिर्ची तोड़ के डालें, तड़का तैयार हो गया, अभी दाल के अंदर डालेंगे तड़का, तड़का दाल में डाल देंगे, नमक डालेंगे और 5 मिनट और पकाएंगे, बस प्याज दाल तैयार, दाल हो गया, अभी हम मादेली का सालन हल्दोनी बनाएंगे।
देखो दाल में हमने हरा धनिया डाले हैं, लेकिन बताना भूल गए, अभी ये मसाला पीस के ला रहे हैं मादेली हल्दोनी का, हल्दोनी मतलब सालन। अभी हल्दी डाले एक टीस्पून, और ये देखो कश्मीरी मिर्ची की पाउडर डाल दिए, इससे कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत बढ़ता है। अभी इसको पीस के लिए करेंगे। हाँ, इसको अभी पीस के लाएंगे। मच्छी फ्राई किए, वो तेल डाल दिए, इसमें लहसुन जीरा और राई डाल दिए। राई नहीं है इसमें, लहसुन और जीरा है खाली। अच्छा, डाल दिए। अभी इसको जरा कलर बद्दी करेंगे। अभी मसाला पीस के लाए ना, वो डालेंगे अच्छे से, 5 मिनट तक अच्छे से चम्मच चला चला के भूनेंगे। बाद में मसाले का पानी लगाएंगे, इसमें पानी ज्यादा नहीं जाता है, ये थरबरी बनता है, इसलिए इसके साथ दाल बनाते। मसाला भून के हो गया, अब ये मसाले का थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। और बाद में ये देखो अभी इमली का पल्प डालेंगे, अंदर की इमली का जो कचरा फेंक दिए खाली उसका पल्प लिए। अभी अच्छे से उबाल आने देंगे, अच्छे से मसाले को पकाएंगे 5 मिनट तक, उसके बाद मच्छी डालेंगे। मच्छी डालने के बाद वापस 5 मिनट पकाएंगे। अभी नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, मादेली डालेंगे और थोड़ी कोथमीर डालेंगे। अभी इसको आधा ढक्कन रख के 5 मिनट पकाएंगे। अभी इसको चम्मच मारने का, बाद में नहीं मारने का चम्मच, नहीं तो फूट जाएगी। ढक्कन रख के 5 मिनट और पकाएंगे, फिर सर्व करेंगे। देखो मादेली का हल्दोनी हो गया, अभी इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। चावल के आटे के लिए पानी गर्म करके रखे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। पानी को उबाल आ गया, अभी चावल का आटा डालेंगे और आटे को जरा 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बंद करेंगे गैस और ढककर रख के रखेंगे, बनाने के टाइम उसको लेके मलेंगे, गुनेंगे। दो सौ ग्राम आटे को 1 गिलास पानी डालें। ठंडा पानी हाथ को लगाते जाने का, आटा गूंथते जाने का। एकदम नरम आटा गुनेंगे तो रोटी एकदम फर्स्ट क्लास, नहीं बनाने वाले को बनाने आएगी। आटा नरम बनाना होता, नरम गुनना होता। को हमने 5 मिनट पकाए, अभी गैस बंद कर दिए। अभी इसको ढक के साइड में रखेंगे। आटा गूंद के हो गया, कैसा नरम आटा गूंदने का देखो। देखिए ऐसा नरम आटा गूंदेंगे ना तो रोटी अच्छी बनती, पतली बनती और फिर उसको अच्छे से फुगा भी आता, फूटती भी है। चावल की रोटी का आटा एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। ये देखो अपन ऐसे पेड़े बनाएंगे ना तो उसमें क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए, तो अपनी रोटी एकदम परफेक्ट बनती है। अब इसको बेलेंगे। देखो एक पेड़ा ले लिए आटे में, अच्छे से सूखे आटे में लपेटने का, उसकी ऐसी चांदी बनाने की, हम लोग कोकनी में इसको चांदी बोलते, ऐसी गोल गोल बनाने की। देखो हाथ के निशान भी आते उसमें, अंगूठे के निशान आते, हाथ के निशान आते हैं उसके ऊपर एक तरफ से, मतलब ये जो अपना पाम्प होता है ना, बस उससे अपने को और ये फिंगर से ऐसा बीच में पकड़ के इसको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करने का, और ये हाथ से सीधे हाथ से बस इसको इस तरीके से राउंड करते रहने का, यहाँ से हल्का हल्का प्रेस करने का और ये सीधे हाथ से इसको राउंड घुमाते रहने का, जितना अपने से बड़ी बनती उतना बड़ा बना लेने का। अभी मेरे से इतनी बड़ी बनती, इससे ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो टूट जाएगी। तो अभी देखो ऊपर नीचे आटा अच्छे से डालें। आटा अगर ज्यादा भी आप लेके गुन्ने ले करेंगे ना, मतलब बेलेंगे ना, तो भी चलेगा। तो बाद में ना कभी रोटी बेल के हो गई ना तो आटा झाड़ देने का उसके ऊपर का,
नहीं तो वो क्या मालूम है रोटी बराबर सेकती नहीं और जल जाती रोटी। एकदम हल्के हाथ से राउंड करते रहने का, भी हल्का हाथ लेने का एकदम, मतलब वजन दे के नहीं करने का। देखो खुद ब खुद गोल घूमती है। बस पतली हो गई। तवा गरम कर, देखो ऐसा हाथ पे ये करके पूरा आटा झाड़ देने का। पहले पहले बनाएंगे तो आटा ज्यादा लगेगा। अब इसको सेकेंगे। ऐसी सारी बनाएंगे फिर आपको थाली साफ करके दिखाएंगे। देखो हमने पोखनी तरीके से मादेली मच्छी की थाली बनाए हैं। पहले हमने बनाए थे, अभी वापस बनाए। मादेली मच्छी का हलचो नहीं है, मच्छी तली भी है, भेंडी है और दाल है, कोखनी दाल है और चावल है सादे और चावल की रोटी। ऐसा तुम भी बनाओ, इसके साथ अचार पोपर भी ले लो। हमारे पास जगह नहीं है रखने को, इसलिए रखने नहीं रखे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़।